वेलकम। इन पार्ट वन हमने बात की कि वार मॉडल्स जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म रिड्यूस्ड वार मॉडल्स क्या हैं, स्ट्रक्चर रिकर्सिव वार मॉडल्स क्या हैं, स्ट्रक्चरल वार मॉडल्स क्या हैं और वार मॉडल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो उसी में जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि डिस्क्रिप्शन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा, तो उसके लिए तीन स्टैटिस्टिक्स आपको वार मॉडल के साथ रिपोर्ट करनी चाहिए। पहली चीज़ है ग्रेंजर कॉजलिटी टेस्ट, दूसरी है इंपल्स रिस्पॉन्स और तीसरी है फोरकास्ट एरर वेरियंस डिकम्पोजिशन। पहले हम इसको देखेंगे, देन वील सी के फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, देन हम पॉलिस स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस की बात करते हैं और देन जो है वो इसको हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपके पास जो आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए वो ये है कि जी आपके पास वार मॉडल ग्रेंजर कॉजैलिटी जो है ये टेस्ट ऑफ कॉजैलिटी नहीं है। अभी मैं इस पर फर्दर जो है वो थोड़ा सा बताता हूँ। इन्फ्लेशन को हमने रिग्रेस किया, इन्फ्लेशन के अपने लैग्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट के लैग्स पे, इंटरेस्ट रेट के लैग्स पे। अगर सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट के लैग्स जॉइंटली सिग्निफिकेंट हों, जैसे ये पी वैल्यू 0.02 आई है, तो इट मींस कि अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है विद इन सैंपल। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की वैल्यू 0.27 है तो वो नहीं करती। पी वैल्यू पे इंटरप्रिटेशन क्या है आप उस पर वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को जब हमने रिग्रेस किया इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट अपने, तो इंटरेस्ट रेट जो है दैट इज अ प्रिडिक्टर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और इंटरेस्ट रेट के लिए इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ग्रेंजर कॉज करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कॉज नहीं करते, प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप अगर ग्रेंजर कॉजैलिटी जो है, पहली चीज़ है ये टेस्ट ऑफ कॉजैलिटी नहीं है, ये स्टैंडर्ड लिटरेचर है। तो इसलिए ये जो ई व्यू स्टेटा बाकी सारी जगहों पे ये सॉफ्टवेयर से और उसकी बेस पे आप कहते हैं फलां चीज़ फलां को क्रॉस करती है, तो प्लीज़ इसको कॉन्सेप्ट को क्रॉस कर दीजिए। ग्रेंजर कॉजैलिटी सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि पास्ट वैल्यूज ऑफ एक्स टी, एक्स टी माइनस वन अप टू एक्स टी माइनस क्यू जो है, क्या अगर बेटा आल बेटाज इक्वल टू ज़ीरो हों, जॉइंटली इक्वल टू ज़ीरो हों, तो क्या ये एक्स टी जो है ये वाई को प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल है या नहीं है, दैट्स ऑल। तो प्रिडिक्टर जो है वो कॉजल नहीं होता, ठीक है। अम्ब्रेला ओपन करने से बारिश नहीं होती, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जब भी बारिश आने वाली होती है तो उससे थोड़ी देर पहले लोग अम्ब्रेला ओपन करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं फिज़िक्स और नेचुरल साइंसेज में जो कॉजैलिटी की डेफिनेशन है, इवन सोशल साइंसेज में कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट। हम सिंपल इतनी बात याद रख रहे हैं कि ग्रेंजर कॉज जो है वो सिंपली टेस्ट ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी है, वो टेस्ट ऑफ कॉजैलिटी नहीं है, और ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है, ये समरी स्टैटिस्टिक्स है। ये 2001 में आप देख लें कि ये हमें गाइड किया गया, लेकिन 2021 में भी हमारे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेंजर कॉजैलिटी को एज टेस्ट ऑफ कॉजैलिटी अप्लाई करते हैं। तो आप देखें तो इसके बाद हमारे पास दूसरी जो समरी स्टैट्स हमने रिपोर्ट करनी होती है दैट इज़ वेरियंस डीकम्पोजिशन, कि अगर हम इंटरेस्ट रेट को रिग्रेस करें ऑन इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पे और एक टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट करें, तो 21% ऑफ फोरकास्ट एरर जो है दैट मे बी एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन आर। और सिमिलरली आप इसको देखें, ये जो आपके पास अगर 12 होराइजन यानी कि 12 क्वार्टर्स फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, तो ये 16% है, ये 59% है, तो हम ये कहेंगे कि 75% जो है वो आपके पास जो है इन्फ्लेशन एरर इन इंटरेस्ट रेट जो है दैट मे बी एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट शॉक्स इन द रिकर्सिव वॉर मॉडल। तो ये जो फोरकास्ट एरर वेरियंस डिकम्पोजिशन है दिस इज बेस्ड ऑन रिकर्सिव वॉर मॉडल्स। तीसरी जो समरी स्टैट्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स जिसको हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन। ये दोनों तरह से, एक फिगर वन है
एक फिगर टू है, तो बेसिकली इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन पॉलिसी रिस्पांस में भी यूज़ होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप एक जनरल रिकर्सिव वार मॉडल है तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन को हमने जो है उसमें 1% चेंज या इन्फ्लेशन को 1 यूनिट शॉक मिले उसके एरर में, तो इट विल ग्रेजुअली सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम अगेन बैक टू इट्स नॉर्मल। और ये छोटी छोटी जो डॉट्स हैं ये बेसिकली प्लस माइनस ये 66% स्टैंडर्ड एरर है। बट इन्फ्लेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट टू ए न्यू लेवल आफ्टर 3-4 ईयर्स, और सिमिलरली इन्फ्लेशन लीड्स टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एट सर्टन लेवल। तो सिमिलरली ये दूसरे वाले आपके पास वेरिएबल्स आ गए कि जी आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट को शॉक दें, अगर आप इंटरेस्ट रेट को शॉक दें। अब देखिए तो अगर ये रिकर्सिव वॉर मॉडल है और ऑर्डरिंग चेंज हो जाए तो शायद आपके रिजल्ट्स भी चेंज हो सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने कहा कि दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव डेटा समरी जिसके लिए ग्रेंजर कॉजलिटी है, फोरकास्ट एरर वेरियंस डीकम्पोजिशन है, इंपल्स रिस्पांस फंक्शन है। तो पहला ऑब्जेक्टिव उन तीन स्टैटिस्टिक्स से है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग में हमने क्या किया कि हमने जो है रूट मीन स्क्वायर एरर्स जो है वो बेसिकली आउट ऑफ सैंपल डेटा के लिए कंपेयर किए। तो एक हमने रेंडम वॉक मॉडल लिया, मीन्स नाइव मॉडल, जो कल था वो आज है, जो पिछले क्वार्टर में था वो इस क्वार्टर में है। ऑटो रिग्रेसिव यूनिवेरिएट, यानी कि इन्फ्लेशन को हमने सिर्फ उसकी अपनी पास्ट वैल्यूज पे रिग्रेस किया, और वार मॉडल का मतलब कि हमने इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन पे रिग्रेस किया। तो आप देखें तो ये रूट मीन स्क्वायर एरर्स ऑफ दिस 0.75, 0.75, 0.75, तो 8 क्वार्टर अहेड्स के लिए तीनों मॉडल इक्वली गुड परफॉर्म करते हैं। तो वार मॉडल्स आर वेरी गुड फॉर फोरकास्टिंग, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एआर मॉडल से सुपीरियर ही हों। यहाँ पे स्लाइट सी फोरकास्ट परफॉर्मेंस बेहतर है देन एआर मॉडल, और थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है देन रेंडम वॉक मॉडल। जब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को तीनों मॉडल से तीनों मॉडल्स का कंपेरिजन करते हैं, तो रूट मीन स्क्वायर एरर बेसिकली एआर का कम होता है। तो पहले वाले 2 क्वार्टर्स में शायद एआर इज़ बेटर देन सिमिलरली। तो इन जनरल मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ कि वार मॉडल इज इक्वली गुड टू एआर आर स्लाइटली बेटर देन एआर इन फोरकास्टिंग। तो रेंडम वॉक से दोनों एआर और वार मॉडल बेहतर फोरकास्ट दे रहे हैं। अब आती है स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस की बात। अब 2 किस्म की पॉलिसी, अब ये तीसरी बात आ रही है, पहली समरी, दूसरी फोरकास्टिंग, तीसरी स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस। अब स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं जाते। एक है कि जी सेंट्रल बैंक जो है अब पास्ट वैल्यूज़ को देखते हुए ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की वेटेज देते हुए देखते हुए इंटरेस्ट रेट को सेट करता है। तो उसमें अगर आप 150 बेसिस पॉइंट्स की इंक्रीज करते हैं तो ये जो सॉलिड लाइन आपको नज़र आ रही है ये है अगर आप पास्ट की वैल्यूज़ को देखते हुए इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज लेके आते हैं तो उसका कितना इम्पेक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे। तो अगर पास्ट को देखते हुए देख रहे हैं तो ये सॉलिड लाइन है, तो ये स्लाइड सी चेंज आती है इन्फ्लेशन में और देन इट गोज बैक। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होती है, वो एक नए लेवल पे 3 क्वार्टर्स के बाद 3 साल के बाद सेटल होती है। अब दूसरी, अगर आप एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू कर दें और आप फ्यूचर को देखते हुए करें तो ये प्राइस पजल सिम्स का 1992 का पेपर है, काइंडली ज़रूर देखिएगा। ये जो पेपर मैं जिस बेस पे ये सारी बातें कर रहा हूँ इसके रेफरेंसेस में वो गिवन है। तो आप देखिए तो अगर आप अपनी जो है वो पॉलिसी जो है वो है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन जो होगी उसको देखते हुए आप करंट इंटरेस्ट रेट सेट कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये जो डॉटेड लाइन है दैट इज़ योर रिस्पांस। अब इसमें आपको बड़ा केयरफुल रहना है। आप देखिए तो ये क्या हुआ कि आपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया तो इन्फ्लेशन इन द बिगिनिंग इंक्रीज हो गई। भाई ये इस वजह से हुआ कि आप पहले फोरसी कर रहे थे कि इन्फ्लेशन इन फ्यूचर विल बी हाई, तो आपने आज इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो इसलिए ये नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट इनइफेक्टिवनेस है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन ने फ्यूचर में इंक्रीज होना था
और उसकी बेस पे आपके पास जो है वो, हम ये कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुई। तो ये प्राइस पजल 1992 का आर्टिकल सिम्स का देखेंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। जैसे अगर आप ये देख रहे थे कि अगर नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू कोविड जो है बढ़ने जा रही हैं, तो आपने लॉकडाउन कर दिया, तो आपको ये लगेगा कि जी लॉकडाउन इज़ इनइफेक्टिव और ये पॉलिसीज, ये जो एंडोजेनाइटी इश्यूज हैं ये पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इवन इटली में भी यही कहते हैं जी लॉकडाउन इनइफेक्टिव हुआ, स्वीडन में नो लॉकडाउन इफेक्टिव हुआ। ऐसा कहने से पहले आपको बहुत सारी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो दो पॉलिसी रूल थे, एक है कि हम जो है वो पास्ट को देखते हुए करें और एक है कि आप रिजीम शिफ्ट कर जाते हैं, आप एक्सप्लिसिट जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं फ्यूचर की इन्फ्लेशन को देखते हुए, तो उसकी बेस पे आपका जो है वो ये जो है वो स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस स्ट्रक्चरल वॉर मॉडल इस्टेब्लिश होगा और आप इम्पल्स रिस्पांस फंक्शन को देख सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप की पॉलिसीज मैंने अभी बात की, एक है सरप्राइज मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशन जिसमें आपने अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के वेट्स को देखा, और दूसरे वाला है एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो वॉर मॉडल्स जो है ये आपको क्या देते हैं और क्या नहीं देते, तो इस बारे में आप इस पेपर को रीड कीजिए। मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की है कि वार्स आर गुड एट कैप्चरिंग को मूवमेंट्स ऑफ मल्टीपल टाइम सीरीज, दे आर वेरी यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, ग्रैंजर कॉजलिटी, इम्पल्स रिस्पॉन्स फंक्शन एंड वेरियंस डीकम्पोजिशन आर वेरी गुड फॉर समराइजिंग डेटा, एंड रिड्यूस वार मॉडल्स आर वेरी यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। अब बात यह है कि वार मॉडल्स में आपको कुछ और चीज़ें देखनी हैं कि जब आप पॉलिसी इंटरवेंशन में आएंगे तो कहीं कोई ऐसा रिस्पॉन्स ऐसा वेरिएबल तो नहीं है जो पॉलिसी वेरिएबल था और वो आपका मिस हो गया, कोई शिफ्ट आ गई, रिजीम शिफ्ट आ गई जिसको हम टाइम वेरिंग पैरामीटर्स कहते हैं, तो उस केस में आपके पास जो है वो इशू आएगा। स्मॉल वॉर मॉडल मे बी वेरी गुड फॉर फोरकास्टिंग बट इट मे मिस द मैक्रो डायनेमिक्स, लॉन्ग लार्ज वॉर मॉडल इज मे बी वेरी गुड बट सम सीरियस इश्यूज। सीरियस इश्यूज क्या हैं कि इवन सिर्फ 9 वेरिएबल्स हों और 4 लैग लें हर वेरिएबल के, तो आप देखिए तो वो पहली एक इक्वेशन में सिर्फ जो है वो 17 पैरामीटर्स हैं एक्सक्लूडिंग एरर, तो 17 और फिर 9 इक्वेशंस और फिर एरर्स देयर कोवेरियंसेस एंड ऑल दैट विल लीड टू 333 पैरामीटर्स टू एस्टिमेट। तो अगर आपके पास पिछले 40 साल का डेटा हो क्वार्टरली, तो टोटल जो आपकी ऑब्जर्वेशंस बनेंगी दे विल बी नॉट मोर देन 160 ऑब्जर्वेशंस, सो आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको, और अगर ईयरली डेटा हो तो शायद 3 वेरिएबल से ज़्यादा के वार 4 के आपका जो है सिस्टम बैठ जाएगा। तो ये आपको देखना है कितने वेरिएबल्स हैं, थोड़ा सा ट्रेड ऑफ होगा। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस मैंने बार बार कहा है इज टफर जॉब, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस के लिए आपको जो चीज़ देखनी है वो आपको इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होना चाहिए, हिस्टोरिकल नॉलेज होना चाहिए, आपको जो है वो उस फिनोमिना को बहुत जो है जाके उसको, आर्टिकल है डेविड फ्रीडमैन नॉट मिल्टन फ्रीडमैन, शू लेदर जूते का तला घिसाना पड़ेगा बिसाइड यूजिंग दीज इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो कोजी रूम में बैठ के जो इकोनोमेट्रिक्स करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस कॉजल इन्फ्रेंस दे। अगर कॉजल इन्फ्रेंस नहीं होगी तो पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं होगी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। तो ये बेसिकली चेंजिंग पॉलिसी रूल्स में लीड टू मिस स्पेसिफिकेशन इन कॉन्स्टेंट पैरामीटर स्ट्रक्चरल वार्स, तो ये टाइम वेरिंग पैरामीटर्स अगर आ जाएंगे तो उससे क्या होगा। तो लास्ट स्लाइड है हमारी, आप इसको देख सकते हैं कि जी आपके पास जो है वो रिकर्सिव वॉर मॉडल की पर्टिकुलर ऑर्डरिंग क्या है, ये एक बहुत सीरियस इशू है। इसको कैसे एड्रेस किया जाता है, मैं इसको जैसे एड्रेस करता हूँ, मैं पहले ग्राफ थ्योरेटिक अप्रोच लेता हूँ। ग्राफ थ्योरेटिक अप्रोच से मैं
वो जो डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड एरो से स्टार्ट करते हुए आई गो विद दिस, और फिर हम मैं एरोज फाइंड करते हुए जो है वो ये देखता हूँ कौन सा वेरिएबल की डायरेक्शन क्या है और थीरी उसको सपोर्ट करती है या नहीं। तो फिर ये MRPY, मनी इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन GDP या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मॉडल्स वगैरह, वो जो है वो उसको आर्डर जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। एनीहो मैं इसको समराइज करने जा रहा हूँ। और वार मॉडल क्या है, अगर आपके पास ये देखिए, तो जो आपकी डेटा को एग्रीगेट करोगे, मंथली डेटा को क्वार्टरली बना लोगे, क्वार्टरली को एनुअल बना लोगे, तो क्या होगा, नॉइज़ तो कम हो जाएगा लेकिन उसके दरमियान जो वेरिएबल्स हैं कॉन्टिन्यूस, उनके दरमियान कोरिलेशन बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल कोरिलेशन, के एग्रीगेट्स के दरमियान कोरिलेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितना डेटा डिसएग्रीगेटेड होता है। मैं इस वक्त वॉर मॉडल्स को समराइज़ कर रहा हूँ। मैंने चार ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया था कि एक वॉर मॉडल जो है डेटा समरी, फोरकास्टिंग, कॉजल इन्फ्रेंस या स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस, पॉलिसी देता है। पहले दो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव इजीली फुलफिल हो जाता है, ग्रैंजर कॉजलिटी, इंपल्स रिस्पांस एंड फोरकास्ट एरर वेरिएंस डिकम्पोजिशन पहले ऑब्जेक्टिव के लिए। फोरकास्टिंग के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, और स्ट्रक्चरल इन्फ्रेंस कम से कम बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अगर वो जो है वो पॉसिबल है भी तो। और उसके लिए यू मस्ट कंसल्ट जो कि एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं और उस इन्फ्लेशन के साथ उसका लिंक देख रहे हैं, तो यू मस्ट कंसल्ट जो कि सेंट्रल बैंक में लोग बैठे हुए हैं जो इस फिनोमिना को डील देख रहे होते हैं, दे हैव डीप इनसाइट। तो आपकी ये जो है वो इकोनोमेट्रिक मॉडल में उसको, और फिर पास्ट में कैसे होता रहा तो उसको भी देखिएगा। इस पर फर्दर एग्जाम्पल्स मैं किसी और टाइम पर डिस्कस करूँगा। तीसरी चौथी बात, अगर ये चीज़ होगी, अगर हमें ये पता होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूचर में बढ़ने जा रही थी और हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और कुछ थोड़े अरसे बाद वो कंट्रोल हो गई, तो ये जब तक ये जब बिहेवियर पता चल जाएगा तो देन यू कैन गो फॉर दिस पॉलिसी। बट एट द सेम टाइम कीप इट इन माइंड कि बाज़ औक़ात आपका फ्यूचर वेरिएबल इंक्रीज हो रहा होता है और आज आप उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आज कुछ कर रहे हैं तो फ्यूचर में वो थोड़े ऐसे के लिए ऊपर रह सकता है। दैट इज़ कॉल्ड प्राइस पजल बाय सेम्स। अच्छा, इसी तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं। तो फाइनल मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।